हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एकता निगम फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एकता सी क्लास ऑफ डिजाइनिंग। सो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि ये चैनल मेरा वन ईयर डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट प्रिफर करता है फ्रेंड्स आपको। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी फ्रेंड मूड ब्रॉड के बारे में। सो फ्रेंड, हम हमेशा बात करते हैं अपनी फाइल्स के जरिए। मैं आपसे वन ईयर डिजाइनिंग कोर्स में होने वाले जो मैटर हैं वो आपको मैं एक के बाद एक सब बताती जाती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे 20 समथिंग वीडियो जिससे रिलेटेड आ चुके हैं, सो आप देख सकते हैं उनको एकता से ही क्लास के नाम से सर्च करके। और मैं इसमें कुछ के लिंक भी दे दूंगी फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे मूड ब्रॉड के बारे में। सो इस फाइल में फ्रेंड हमको मैगजीन से ड्रेसेस के पिक्चर को कट करके जिससे इंस्पायर हों या कि अलग अलग मूड के पिक्चर्स को हमको इसमें अपनी फाइल में शो करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया थे मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, जैसे प्रोफेशनल वेयर्स में कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल, ऐसे बहुत सारे ड्रेसेज बताए थे मैंने आपको। उसी से रिलेटेड पिक्चर्स मैगजीन में हमको मैगजीन से कट करके इसमें शो करना है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जो है फर्स्ट पिक्चर जो है, मैंने इसमें आपको पार्टी वेयर ड्रेस शो कर रही हूँ फ्रेंड। इसमें आप देख सकते हैं मैरून मेहंदी कलर की ये सारी चीज़ें हैं, जिसको हैवी बॉर्डर और हैवी वर्क से डिजाइन किया गया है। और इसमें इसी मैचिंग करते हुए एक्सेसरीज में सिर्फ बैंगल्स का यूज़ किया है और हेयर डू का यूज़ किया गया है। इसी से मैचिंग के हेयर एक्सेसरीज एंड ईयर रिंग्स को ऐड किया गया फ्रेंड्स। सो दिस इज द फर्स्ट डिश फॉर मैगजीन। फिर ये अगला जो ड्रेस आप देख रहे हैं वो है बंगाली साड़ी, इसको ड्रैप किया गया है बंगाली पैटर्न में। और ये भी हैवी पार्टी वियर ब्राइडल साड़ी इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन रानी पिंक और ऑरेंज कलर में इसको डिजाइन किया गया है और गोल्डन कलर की बॉर्डर ये देख सकते हैं आप। इसका पास से इसका ये वर्क देख सकता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज सेकेंड, आप थर्ड ड्रेस जो देख रहे हैं ये गुजराती पैटर्न में, इसमें ड्रेप किया है मॉडल ने फ्रेंड। और ये हैवी ऑरेंज कलर की कलर साड़ी है फ्रेंड, इसको पूरा ब्राइडल हम कलेक्शन साड़ियों का बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ब्राइडल कलेक्शन की ये साड़ी ऑरेंज कलर की है फ्रेंड। तो अगर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उसमें पार्टी वेयर साड़ी अगला जो ये साड़ी पैटर्न है वो ये कैजुअल ही साड़ी है फ्रेंड, एकदम लाइट वेट और बस इसमें बॉर्डर का काम है और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड मूड ब्रॉड की, जिससे हम इंस्पायर होके मतलब जो बहुत ही हमको मन को खींचे, हमको इंस्पायर करे ऐसी ड्रेसेस को मैगजीन से कट करके हमको इन फाइल में लगा के फाइल को पूरा बनाना है। और इस पूरी फाइल में आपको ऐसे ही ड्रेसेस के टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी देखिए, इसमें मुमताज़ में रेड किया हुआ है और ये टू कलर की साड़ी है, पिंक और वायलेट को बोल सकते हैं, पूरा वायलेट नहीं है, वायलेट पिंक मिक्स और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन वाली गोल्डन कलर की बॉर्डर वाली ये साड़ी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें मॉडल ने को मुमताज़ स्टाइल में ड्रेस किया है, बहुत मज़ेदार ये ड्रेपिंग लगती है फ्रेंड्स। मैं इसका यूज करती हूँ एक बार और इसमें एक्सेसरी में इस्तेमाल किया है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में फ्रेंड ये आएंगे, ये है सूट और ये सिंपल पटियाला सूट है फ्रेंड, जिसको टू कलर
ट्रेंड अब हम बात कर रहे हैं सलवार सूट की, जिसमें ये देखने में तो मुझे साड़ी का कपड़ा लग रहा है फ्रेंड्स, और ये पटियाला और साठ कुर्ती के साथ इसको डिजाइन रैपिंग की गई फ्रेंड, और इसमें पटियाला में टू कलर्स का यूज किया गया है, और मतलब एकदम अलग सब चीज़ों का यूज करके इसको पूरा बनाया गया है। हल्का वर्क भी इसमें दिया गया है फ्रेंड, और इसमें एसेसरीज के नाम पर बस ईयर रिंग का यूज किया गया है फ्रेंड, और उसके बाद सलवार सूट में ही ये नेक्स्ट है जो ये भी सिंपल समर वेकेशंस के समर में यूज करने वाले ये सूट लग रहे हैं पतले कपड़े में फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें कुर्ते के कपड़े का यूज किया गया है इसकी मोरी बनाने में, तो सो नाइस डिजाइन एंड चेक डिजाइन से इसको थोड़ा वर्क दिया गया है फ्रेंड। ये वर्क ही है, ये क्लॉथ की डिजाइन नहीं है, अलग से इसमें वर्क किया गया है। फिर इसके बाद इसका अंदर पैटर्न है, देखिए फ्रेंड्स ये पार्टी वेयर सूट है फ्रेंड, जिसमें ये पटियाला और साठ कुर्ती का यूज किया गया है, जिसमें गोल्डी सी मिक्सी कलर लग रहा है, और इसमें पूरा पार्टी वेयर डिजाइन किया गया है। इसमें एक्सेसरीज के नाम पे इन बैंगल्स का यूज किया गया है, और इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं लैस के पैटर्न को जो इसमें शो किया गया है, अभी बनाया गया है सूट को, और ईयर रिंग और इस नेकलेस का एक्सेसरीज के रूप में मॉडल ने यूज किया है। सो फ्रेंड फैशन डिजाइनिंग में कपड़ों के डिजाइन और ड्रैपिंग दोनों पे ही बहुत ही काम किया जाता है, तो मैगजीन्स में इन सब चीज़ों का यूज करके ही मतलब कोई ड्रेस उसमें शो किया जाता है। तो ये सब बनवाना पैटर्न और इसमें मतलब ये सब ये फाइल बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए, जिससे उनको समझ आ सके इन सब चीज़ों की, फैशन एक्सेसरीज बैकग्राउंड सब चीज़ को ध्यान कर सके। तो फिर इसके नेक्स्ट पैटर्न में जो है ये है लॉन्ग स्कर्ट और टॉप जो वाइट कलर का है, और ये स्कर्ट है जिसमें टाई एंड डाई का इफेक्ट आया है कि दिया गया है। फिर हमने इसमें टॉप देख लिया, फिर ये कैजुअल वियर में आप देख सकते हैं ये टी शर्ट टॉप है ये, और इसका ये प्लाजो पैंट है ये, जो बहुत ही कैजुअल लुक दे रहा है और समर में यूज करने लायक है ये कपड़े फ्रेंड्स। और इसका नेक्स्ट जो है वो ये तो कोसा सिल्क का कपड़ा लग रहा है, जिसका चाइनीज कॉलर और स्लीवलेस, और इसको शायद अम्ब्रेला कट में कट किया गया है फ्रेंड, देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल और सोवर लुक दे रहा है जो समर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड। फिर इसके नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें ये आप शोल्डर, ये देखिए ये आप शोल्डर इसका टॉप है, दोनों साइड से इसमें कोई भी बेल्ट नहीं दिया गया है, और ये नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे ही है, और ये प्लाजो पैंट है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ट्रेंड और स्टाइल को आप देख सकते हैं, मॉडल के पॉस्चर और ड्रेस की ड्रैपिंग को आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसमें क्या ऐड करने का इसका रीजन क्या है ये भी आपको समझ में आता होगा। ये सब फैशन और ड्रैपिंग स्टाइल होते हैं जिनको हम पिक्चर्स और मैगजीन में देख के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। फिर ये अंगला पैटर्न इसमें आप देख सकते हैं, इसके बैक में छतरी दिख रही है फ्रेंड, तो ये समर और रेनी सीजन्स के ड्रेसेज हैं, इसमें इसने सिंपल जीन्स और मल्टी कलर के टॉप को कैरी किया हुआ है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अब ये लॉन्ग स्कर्ट या सिंपल लहंगा भी इसको बोल सकते हैं, ये लाइन इसको आप देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल लुक दे रहा है पहनने में भी, मतलब लुक पूरा पार्टी वेयर का दे रहा है, पहनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसको, तो आप सब ट्राई करें इसको इन समर और रेनी सीजन में। फिर
ये पार्टी वेयर ड्रेस में आप देख सकते हैं, रेड कलर का गाउन है ब्रांड, और मैंने ऐसी ड्रेसेस भी अपनी अदर फाइल्स में बनाई और यूज की हुई है ब्रांड, देखिए। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है लुक, इसमें ये शॉर्ट स्कर्ट और कलर की टॉप का यूज किया गया है, बेल्ट स्लीव है फ्रेंड्स इसकी, पूरा सामने से ये टॉप किया गया है, और सिंपल राउंड नेक है फ्रेंड इसका, और ये सारे ड्रेस जो स्टाइल है समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसके नेक्स्ट पेज में फ्रेंड फैशन एक्सेसरीज का यूज किया गया है, जो सिंपल और स्टाइलिश लुक देने वाले हैं, तो इसमें मल्टी टाइप्स के चेन्स को यूज किया गया है, और ये देख सकते हैं हैंड बैग और एक्सेसरीज में ये चीज़ें इसमें ऐड करके, ये गॉगल्स, इन सब चीज़ों के पिक्चर्स इसमें लगाए गए हैं। फिर इसके बाद इसी में नेक्स्ट ये देखिए ब्रेसलेट नेकलेस, इनको कड़ी और बैंगल्स बोल सकते हैं, स्टोन वाले फ्रेंड। और इसके बाद ये एक इसमें ये अंगूठी है जो बड़ा हैवी लुक देती है फ्रेंड, ये देखिए, और ये है पर्स। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम ड्रेसेस के बाद हमको इन फैशन एक्सेसरीज को इसमें ऐड करना था, सो फ्रेंड मैंने इसमें इनको ऐड किया है। ये देखिए जोधा अकबर वाली रिंग, और ये हैवी नेकलेस, बैंगल्स, ये देखिए नेकलेस ये डिजाइन, और ये सो फ्रेंड आपको ये सब देखने से बराबर मूड ब्रॉड फाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, और इनके ही थ्रू हमको सब चीज़ें बताई जाती हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो टाइप्स में है कैटेगरी में हम लहंगा लेंगे फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप हैवी ब्राइडल लहंगा है, और टू और थ्री कलर कॉम्बिनेशन का इसमें ध्यान रखा गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। और तो ये है फर्स्ट लहंगा फ्रेंड, जिसमें वर्क भी किया गया है अलग से, ये देख सकते हैं ब्राइडल कलेक्शन है ये। फिर इसके बाद इसमें हम और ब्राइडल और पार्टी वेयर कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसके और भी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, मुझे जितना मिला है मैंने कर लिया है, और आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसमें आप देख सकते हैं स्टाइलिश वॉच, हैंड बैग, एंड ये पेंडेंट है। फिर इसके बाद इसी कैजुअल ऑफिस वियर के थ्रू आप इस ड्रेस को रख सकते हैं फ्रेंड, जिसमें ये साइड से कट इसका पैंट है, और इसमें इस कोटी का यूज़ किया गया है, और साइज स्लीवलेस इसका टॉप रखा गया है फ्रेंड। तो आप इसके फैशन ट्रेंड को देख सकते हैं, और नया भी क्या यूज कर सकते हैं सीजन्स के हिसाब से आप अपने कपड़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फिर इसका नेक्स्ट है इसमें येलो कलर की वन पीस, और जैसा इसकी फ्रेंड, और इसमें सैड ट्यूब टॉप को कैरी किया गया है, सामने इसमें जीपी रखा गया है, और ये इसका हैंड बैग आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप इस वेयर को इसमें रखा गया है, ये कैजुअल वेयर है, अपन ओकेजनली कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें वाइट और गोल्डन वाइट, ये पीच कलर है थोड़ा सा पिंकिस कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है, और वैसे ही हैंड बैग यूज किया गया है। आप इस वीडियो के थ्रू क्या मूड ब्रॉड में यूज होने वाले मल्टी टाइप के ड्रेसेस एसेसरीज और मेनी टाइप्स के ड्रेसेस को देख सकते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स करने की सोच रही हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो जब आपको अपनी फाइल बनाना होगा तो आप उसमें और अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है फ्रेंड, अभी हम कुछ भी करने के पहले इनके
बहुत सारे वीडियोस देख के हम बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने जब ये कोर्स किया था तो 2001 में इसके समथिंग, तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग जो भी करते थे जो सर लोग बता देते थे और अपने माइंड में जितना आता था उन्हीं के थ्रू ही ये सब कर सकते थे। और मेरी जो भी फाइलें हैं मैंने इसी तरह से ये सब फाइलें अपने सर के जैसे वो बताते थे उसी के आधार पर हम लोगों और अपने नॉलेज के, और नॉलेज जब करने जाओ तो कम ही रहता किसी चीज़ का सेंस, और कर लो या फिर अभी तो बहुत अच्छा है, हम पहले कुछ भी देख सकते हैं फिर उसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें आप देखिए ये नेक्स्ट जो है इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन जो है टाइगर प्रिंट की है, मगर वो टाइगर प्रिंट तो नहीं है, लाइंस का यूज नहीं किया गया है इनमें, ये ऐसे प्रिंट्स दिए गए हैं। इस समय भी टाइगर और जेब्रा प्रिंट का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्लासी लगता है। अभी मैं भी अपने लिए कुर्ती लेने गई थी तो फिर वही प्रिंट ढूंढ ही रही थी फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। ये प्रिंट हम अपने से कपड़ों में शो भी कर सकते हैं, कलर मतलब येलो कलर का अगर आपने कोई क्लॉथ लिया है तो ये प्रिंट बिल्कुल शो कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और ये देखिए इसकी ड्रेस और इसकी कटिंग देखिए कैसे आ रही है, मैंने इसमें लगाया हुआ है। फिर ये आ गए एथनिक वियर फ्रेंड्स, इसमें देखिए कितनी हैवी जैकेट और लॉन्ग इस ड्रेस का यूज़ किया गया है, और इसके पैटर्न में नीचे ट्रायंगल करके इसमें नेट का यूज़ किया गया है फ्रेंड। देखिए कितना क्लासी और डिफरेंट लुक दे रहा है फ्रेंड ये। ये देखिए इसने शर्ट ये स्कर्ट और ऐसा ये टॉप पहना है जो वेलवेट का क्लॉथ दिख रहा है, और इसका एसेसरीज में ये पर्ल है, जो छोटे बीड्स होते हैं उनमें भी का इसने यूज किया है। फिर इसके बाद ये लॉन्ग स्कर्ट, और ये देखिए वेस्ट में ऐसा इफेक्ट देखिए टॉप क्रिएट किया गया है, सिंपल ही ये क्लॉथ है मगर बढ़िया लग रहा है। वो हम चाहे तो पार्टी या कैजुअल में फिर ये यूज़ कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट वो ड्रेस है जिसमें ओरिजिनल लिप्स ग्रीन लिप्स का यूज किया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस फाइल को फिर ये नेक्स्ट ड्रेस है जो इसमें देखिए गोल्डन कलर के नेट का यूज किया गया है, और इसमें कैरी की हुई है और फैशन स्टाइल आप देख सकते हैं फ्रेंड। फिर ये नेक्स्ट आ गया, ये देखिए वाइट कलर में इतने सारे कलर्स का यूज किया गया है, और ये ड्रेस क्रिएट की गई है। तो ये फाइल क्रिएट करवाने का यही उद्देश्य है फ्रेंड कि इनके थ्रू हम जो स्टूडेंट हैं वो मल्टी टाइप्स के ड्रेस पैटर्न फैशन स्टाइल बैकग्राउंड मतलब जो एक मॉडल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है इसको इस फाइल के थ्रू हम पूरा देख के जान सकते हैं। सो फ्रेंड मैंने अपनी फाइल में ये थ्रू आपको मूड ब्रॉड की फाइल में क्या कैसे कितने ड्रेसेस, और ये अपना कलेक्शन होता है आप जितने ज़्यादा ड्रेसेस इसमें ऐड कर सकते हैं कर सकते हैं, मुझे जितने मिले थे मैंने किए हैं फ्रेंड्स। सो टेक केयर एंड वॉच माई आल चैनल्स वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।